अभी मेरा बच्चा, मैंने कहा था आपसे कि हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अभी मेरा बच्चा। आप यहाँ पर क्यों आए? हम ये घर देखने आए थे। आपके साथ यहाँ पर कोई था, मतलब कोई दूसरा आदमी वगैरह? हाँ, हमारे साथ एक टैक्सी ड्राइवर भी आया था, और वो शायद, वो आने का कोई चांस नहीं, छोड़ दो उसे। हम यहाँ अंदर आने से पहले उसको बाहर ठिकाने लगा दिया था। हाँ, जब तुम लोग यहाँ अंदर आए तब कोई यहाँ पर था? कौन है अंदर? क्या हो रहा है? चलो निकलते हैं।
जल्दी चलो 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 आ जाओ जल्दी हो मेरे पीछे आओ आ जाओ जल्दी बैठ जाओ गाड़ी में जब हम लोग यहाँ आए थे तब तो ये इतनी दूर नहीं था पर अभी तो ये जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है कहीं हम रास्ता तो नहीं भूल गए मरने के लिए दूसरी जगह नहीं मिली क्या मेरी गाड़ी मिली थी क्या हाँ साहब अगर मैं सुबह सुबह आपकी कार के नीचे आके मरूंगा तो मैं सीधा स्वर्ग में जाऊंगा ऐसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी इसीलिए खड़ा था आप भी ना साहब तो बोल मत नहीं तो यहीं पे ठोक दूंगा साहब साहब मैं तो राम नाम का जप करके चल रहा था आपने कार चढ़ा दी और ऊपर से आप गन भी क्या करो तुम समझ में नहीं आता चलो गाड़ी में चल बाल बाल बच गया मैं ए बेवड़े ए मैं बेवड़ा नहीं हूँ रामू हूँ ठीक है यहाँ से शहर कितना दूर है रे 4.5 किलोमीटर है यहाँ से 4.5 किलोमीटर हम लोग इतनी देर से घूम रहे हैं हमें शहर दिखा तक नहीं मैं भी तो वही सोच रहा हूँ वैसे आप लोग कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाना है तुम लोगों को देखकर लगता है कि रास्ता भटक गए हो देखो मुझे यहाँ के लोगों के बारे में और यहाँ की जगह के बारे में ठीक से पता है हम लोग महाबलेश्वर के बगल वाले डायना बंगलो को देखने के लिए आए थे यहाँ और अब हम लोग इस जंगल से बाहर निकलना चाहते हैं ठीक है ऐसे सीधे सीधे जाओ ए, रुक जाए तुझे उस बंगलो के बारे में कुछ पता है क्या कौन सा बंगला साहब मेरी माँ की कसम मुझे कुछ नहीं पता साहब मुझे घर जाने की देरी हो रही है चलता हूँ साहब मुझे उस जगह के बारे में पता है ये मैं जानता हूँ अगर सच सच बताया तो घर पे जाएगा अगर झूठ बोला तो सीधा ऊपर जाएगा समझा क्या सच में मुझे कुछ नहीं पता साहब तुझे सीधी बात समझ में नहीं आती है ना अब मेरी भाषा में समझाता हूँ तुझे बताता हूँ साहब बोल बताता हूँ बताता हूँ उस घर का नाम सुनते ही डर लगता है इस बारे में बोलने के लिए मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है
हमारे साहब का नाम था स्टीफन, बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी बीवी थी डायना, देखने में महारानी के जैसी थी। हमारे साहब को डायना जी जान से प्यारी थी। उनके जन्मदिन पर उन्होंने एक सुंदर सा घर बनाया था और उसका नाम डायना रखा था। उस समय ही मैं उनके पास काम पे लगा था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारे साहब काम में बहुत व्यस्त रहते थे और हमारे साहब को काम के लिए विदेश भी जाना पड़ता था। लेकिन उस समय हमारी मैम साहब का चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं था। वो हाथ में खिलौना लेके घुमाती रहती थी, हर एक घंटे में कॉफी दो कहती रहती थी। एक दिन मैं जब काम करके घर आ रहा था, तभी पता चला चाबी सांप के घर पर ही छोड़कर आ गया था। जब चाबी लेने वापस सांप के घर गया तो मैंने उस घर में जो नहीं देखना था वो देखा। मैम साहब दूसरे मर्द के साथ सोई हुई थी। वो देख के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं ये सच छुपा नहीं पाया तो ये बात मैंने सांप को बोल दी, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया, बीवी का ही पक्ष लिया और मुझे धमकाया। उस बात को लेकर वो हमेशा परेशान रहते थे। मैम साहब को पता चले बिना उन्होंने रूम में कैमरा लगवा दिया। मैम साहब और उस मर्द को साहब ने अपनी आंखों से देखा कि ये दोनों मेरी जायदाद लेकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। गुस्से में साहब मैम साहब को मारने गए, इंसानियत भूलकर क्रूर बन गए। साहब से बचने के लिए मैम साहब ने उनके सर पे मारा और लगने से साहब बेहोश हो गए और मैम साहब वहां से भाग खड़ी हुई। साहब को होश आते ही मैम साहब को ढूंढने लगे। उस वक्त उन्होंने खून के निशान देखे और निशान के पीछे पीछे चलने लगे। वो खून के निशान एक रूम की अलमारी तक जा रहे थे और साहब को पता चल गया कि मैम साहब इस अलमारी के अंदर है। तो मैम साहब को मारने के लिए साहब ने अलमारी को बाहर से बंद कर दिया। वो मैम साहब के दिए हुए धोखे को भुला नहीं पा रहे थे और उन्होंने शराब ज्यादा पीना शुरू कर दिया। साहब उस दर्द से उबर नहीं पा रहे थे तो एक दिन उन्होंने खुदकुशी कर ली। स्टीफन साहब के मरने के बाद मैंने उस घर की तरफ जाना ही बंद कर दिया।